काबुली वाला। मेरी 5 बरस की लड़की मिनी से पल भर भी बात किए बिना नहीं रहा जाता। दुनिया में आने के बाद भाषा सीखने में उसे सिर्फ 1 ही वर्ष लगा होगा। उसके बाद से जितनी देर सो नहीं पाती है, उस समय का 1 पल भी वह चुप्पी में नहीं खोती। उसकी माता बहुधा डांट फटकार कर उसकी चली हुई जबान बंद कर देती हैं, लेकिन मुझसे ऐसा नहीं होता। मिनी का मौन मुझे ऐसा अस्वाभाविक सा प्रतीत होता है कि मुझसे वह अधिक देर तक नहीं सहा जाता। सवेरे मैंने अपने उपन्यास के 17वें अध्याय में हाथ लगाया ही था, कितने में मिनी ने आकर कहना आरंभ कर दिया, बापूजी बापूजी, रामदयाल दरबान काक को कौआ कहता है, वो कुछ जानता नहीं ना बापूजी। विश्व की भाषाओं की विभिन्नता के विषय में मेरे कुछ बताने से पहले ही उसने दूसरा प्रसंग छेड़ दिया। बापूजी, भोला कहता था आकाश में हाथी सूंड से पानी फेंकता है, इसी से वर्षा होती है। अच्छा बापूजी, भोला झूठ बोलता है ना? खाली बक बक किया करता है, दिन रात बकता रहता है। मेरा घर सड़क के किनारे था। अचानक मिनी खिड़की के पास दौड़ी गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी, काबुली वाले, ओ काबुली वाले। मैले कुचैले ढीले कपड़े पहने, सिर पर कुल्ला रखे, उस पर साफा बांधे, कंधे पर मेवों की झोली लटकाए, हाथ में चमन के अंगूरों की कुछ पिटारियां लिए, एक लंबा तगड़ा सा काबुली मंद चाल से सड़क पर जा रहा था। उसे देखकर मेरी छोटी सी बेटी के हृदय में कैसे भाव उदय हुए, ये बताना असंभव है। उसने जोर से पुकारना शुरू किया। मैंने सोचा, अभी झोली कंधे पर डाले सिर पर एक मुसीबत आ खड़ी होगी और मेरा 17वां अध्याय आज अधूरा रह जाएगा। किंतु मिनी के चिल्लाने पर ज्यों ही काबुली ने हंसते हुए उसकी ओर मुंह फेरा और घर की ओर बढ़ने लगा, त्यों ही मिनी भय खाकर भीतर भाग गई। फिर पता ही नहीं लगा कि कहां छिप गई। उसके छोटे से मन में यह अंधविश्वास बैठ गया था कि उस मैली कुचैली झोली के अंदर ढूंढने पर उसमें से उस जैसी और भी जीती जागती बच्चियां निकल सकती हैं। इधर काबुली ने आकर मुस्कुराते हुए मुझे हाथ उठाकर अभिवादन किया और खड़ा हो गया। मैंने सोचा, घर में बुलाकर इससे कुछ ना खरीदना अच्छा ना होगा। कुछ सौदा खरीदा गया। उसके बाद मैं उससे इधर उधर की बातें करने लगा। रहमत के साथ रूस, अंग्रेज, सीमांत रक्षा के बारे में गपशप होने लगी। अंत में उठकर जाते हुए उसने अपनी मिली जुली भाषा में पूछा, बाबूजी, आपकी बच्ची कहां गई? मैंने मिनी के मन से व्यर्थ का भय दूर करने के अभिप्राय से उसे भीतर से बुलवा लिया। वह मुझसे बिल्कुल लगकर काबुली के मुख और झोली की ओर संदेह आत्मक दृष्टि डालती हुई खड़ी रही। काबुली ने झोली से किशमिश और खुबानी निकाल कर देना चाहा, परंतु उसने ना ली और दुगने संदेह के साथ मेरे घुटनों से लिपट गई। उसका पहला परिचय इस तरह हुआ। इस घटना के कुछ दिन बाद एक दिन सवेरे मैं किसी आवश्यक कार्यवश बाहर जा रहा था। देखूं तो मेरी बिटिया दरवाजे के पास बेंच पर बैठकर काबुली से हंस हंस कर बातें कर रही है और काबुली उसके पैरों के समीप बैठा बैठा मुस्कुराता हुआ उन्हें ध्यान से सुन रहा है और बीच बीच में अपनी राय मिली जुली भाषा में व्यक्त करता जाता है। मिनी को अपने 5 वर्ष के जीवन में बाबूजी के सिवाय ऐसा धैर्य वाला श्रोता शायद ही कभी मिला हो। देखा तो उसकी फ्रॉक का अग्रभाग बादाम किशमिश से भरा हुआ था। मैंने काबुली से कहा, इसे यह सब क्यों दे दिया?
अब कभी मत देना। यह कहकर कुर्ते की जेब में से एक अठन्नी निकालकर उसे दी। उसने बिना किसी हिचक के अठन्नी लेकर अपनी झोली में रख ली। कुछ देर बाद घर लौटकर देखता हूं कि उस अठन्नी ने बड़ा उपद्रव खड़ा कर दिया है। मिनी की मां एक सफेद चमकीला गोलाकार पदार्थ हाथ में लिए डांट फटकार कर मिनी से पूछ रही थी, तूने ये अठन्नी पाई कहां से, बता। मिनी ने कहा, काबुली वाले ने दी है। काबुली वाले से तूने अठन्नी ली कैसे, बता। मिनी ने रोने का उपक्रम करते हुए कहा, मैंने मांगी नहीं थी, उसने आप ही दी है। मैंने जाकर मिनी की उस अकस्मात मुसीबत से रक्षा की और उसे बाहर ले आया। मालूम हुआ कि काबुली के साथ मिनी की यह दूसरी ही भेंट थी, सो कोई विशेष बात नहीं। इस दौरान वह हर रोज आता रहा और पिस्ता बादाम की रिश्वत दे देकर मिनी के छोटे से हृदय पर बहुत अधिकार कर लिया था। देखा कि इस नई मित्रता में बंधी हुई बातें और हंसी ही प्रचलित हैं। जैसी मेरी बिटिया रहमत को देखते ही हंसते हुए पूछती, काबुली वाले, ओ काबुली वाले, तुम्हारी झोली के भीतर क्या है? काबुली, जिसका नाम रहमत था, एक अनावश्यक चंद्र बिंदु जोड़कर मुस्कुराता हुआ कहता, हाथी। उसके परिहास का रहस्य क्या है यह तो नहीं कहा जा सकता, फिर भी नए मित्रों को इससे तनिक विशेष खेल सा प्रतीत होता है। और जाड़े के प्रभात में एक सयाने और एक बच्ची की सरल हंसी सुनकर मुझे भी बड़ा अच्छा लगता। उन दोनों मित्रों में और भी एक आध बात प्रचलित थी। रहमत मिनी से कहता, तुम ससुराल कभी नहीं जाना, अच्छा? हमारे देश की लड़कियां जन्म से ही ससुराल शब्द से परिचित रहती हैं, लेकिन हम लोग बच्ची को ससुराल के विषय में ज्ञानी नहीं बना सके थे। अतः रहमत का अनुरोध वह स्पष्ट नहीं समझ पाती थी। इस पर भी किसी बात का उत्तर दिए बिना चुप रहना उसके स्वभाव के बिल्कुल विरुद्ध था। उल्टे वह रहमत से ही पूछती, तुम ससुराल कब जाओगे? रहमत काल्पनिक ससुर के लिए अपना जबरदस्त घूंसा तान कर कहता, हम ससुर को मारेगा। सुनकर मिनी ससुर नामक किसी अनजाने जीव की दुरावस्था की कल्पना करके खूब हंसती। हर वर्ष रहमत माघ महीने में अपने देश लौट जाता था। इस समय वह अपने व्यापारियों से रुपया पैसा वसूल करने में तल्लीन रहता। उसे घर घर दुकान दुकान घूमना पड़ता था, मगर फिर भी मिनी से उसकी भेंट रोज एक बार अवश्य हो जाती है। देखने में तो ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों के मध्य किसी षड्यंत्र का श्री गणेश हो रहा हो। जिस दिन वह सवेरे नहीं आ पाता, उस दिन देखूं तो वह संध्या को हाजिर है। अंधेरे में घर के कोने में उस ढीले ढीले जामा पजामा पहने झोली वाले लंबे तगड़े आदमी को देखकर सचमुच ही मन में अचानक भय सा पैदा हो जाता है। लेकिन जब देखता हूं कि मिनी ओ काबली वाला पुकारते हुए हंसती हंसती दौड़ी आती है और दो भिन्न आयु के असम मित्रों में वही पुराना हास परिहास चलने लगता है, तब मेरा सारा हृदय खुशी से नाच उठता है। एक दिन सवेरे मैं अपने छोटे से कमरे में बैठा नई पुस्तक के प्रूफ देख रहा था। जाड़ा विदा होने से पूर्व आज दो तीन दिन से खूब जोर से अपना प्रकोप दिखा रहा है। जिधर देखो उधर इस जाड़े की ही चर्चा हो रही है। ऐसे जाड़े में खिड़की में से सवेरे की धूप मेज के नीचे मेरे पैरों पर आ पड़ी। उसकी गर्मी मुझे अच्छी प्रतीत होने लगी। लगभग 8 बजे का समय होगा, ठीक उसी समय एक बड़े जोर का शोर सुनाई दिया। देखूं तो अपने उस रहमत को दो सिपाही बांधे लिए जा रहे हैं।
उसके पीछे बहुत से तमाशाई बच्चों का झुंड चला रहा है। रहमत के ढीले ढीले कुर्ते पर खून के दाग हैं और सिपाही के हाथ में खून से लथपथ छुरा। मैंने द्वार से बाहर निकलकर सिपाही को रोक लिया और पूछा, क्या बात है? कुछ सिपाही से और कुछ रहमत के मुंह से सुना कि हमारे पड़ोस में रहने वाले एक आदमी ने रहमत से एक रामपुरी चादर खरीदी थी। उसके कुछ रुपए उसकी ओर बाकी थे, जिन्हें देने से उसने साफ इनकार कर दिया। बस इसी पर दोनों में बात बढ़ गई और रहमत ने उसे छुरा निकालकर घोंप दिया। रहमत उस झूठे बेईमान आदमी के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के अपशब्द। इतने में काबुली वाला पुकारती हुई मिनी घर से निकल आई। रहमत के कंधे पर आज झोली नहीं थी, अतः झोली के बारे में दोनों मित्रों की अभ्यस्त आलोचना न चल सकी। मिनी ने आते ही पूछा, तुम ससुराल जाओगे? रहमत ने प्रफुल्लित मन से कहा, हाँ, वहीं तो जा रहा हूं। रहमत ताड़ गया कि उसका यह जवाब किसी के चेहरे पर हंसी न ला सकेगा, और तब उसने हाथ दिखाकर कहा, ससुर को मारता पर क्या करूं, हाथ बंधे हुए हैं। छुरा चलाने के अपराध में रहमत को 12 वर्ष का कारावास मिला। रहमत का ध्यान धीरे धीरे मन से बिल्कुल उतर गया। हम लोग नित्य के काम धंधों में उलझे हुए दिन बिता रहे थे। चंचल मिनी का आचरण तो और भी लज्जाप्रद था। यह बात उसके पिता को भी माननी पड़ेगी। उसने सहज ही अपने पुराने मित्र को भूलकर पहले तो नबी सईस के साथ मित्रता जोड़ी, फिर क्रमशः जैसे जैसे उसकी वयोवृद्धि होने लगी वैसे वैसे सखा के बदले एक के बाद एक उसकी सखियां जुटने लगीं। और तो क्या, अब वह अपने बाबूजी के लिखने के कमरे में भी दिखाई नहीं देती। मेरा तो एक तरह से उसके साथ नाता ही टूट गया है। कितने ही वर्ष बीत गए, वर्षों बाद आज फिर शरद ऋतु आई है। मिनी की सगाई की बात पक्की हो गई। पूजा की छुट्टियों में उसका विवाह हो जाएगा। कैलाशवासिनी के साथ साथ अब की बार हमारे घर की आनंदमयी मिनी भी मां बाप के घर में अंधेरा करके ससुराल चली जाएगी। मेरी मिनी का आज विवाह है। सवेरे से घर में बवंडर बना हुआ है। हर समय आने जाने वालों का तांता बंधा हुआ है। आंगन में बांसों का मंडप बनाया जा रहा है। हर एक कमरे और बरामदे में झाड़ फानूस लटकाए जा रहे हैं और उनकी टक टक की आवाज मेरे कमरे में आ रही है। चलो रे, जल्दी करो, इधर आओ की तो कोई गिनती ही नहीं है। मैं अपने लिखने पढ़ने के कमरे में बैठा हुआ खर्च का हिसाब लिख रहा था। इतने में रहमत आया और अभिवादन करके एक ओर खड़ा हो गया। पहले तो मैं उसे पहचान ही ना सका। उसके पास ना तो झोली थी और ना पहले जैसे लंबे लंबे बाल, और ना चेहरे पर पहले जैसी दिव्य ज्योति ही थी। अंत में उसकी मुस्कान देखकर पहचान सका कि यह तो रहमत है। क्यों रहमत, कब आए? मैंने पूछा। कल शाम को जेल से छूटा हूं, उसने कहा। सुनते ही उसके शब्द मेरे कानों में खट से बज उठे। किसी खूनी को अपनी आंखों से मैंने कभी नहीं देखा था। उसे देखकर मेरा सारा मन एकाएक सिकुड़ सा गया। मेरी यही इच्छा होने लगी कि आज के इस शुभ दिन में वह इंसान यहां से टल जाए तो अच्छा हो। मैंने उससे कहा, अब आज हमारे घर में कुछ आवश्यक काम है, सो मैं उसमें लगा हुआ हूं। आज तुम जाओ, फिर आना। मेरी बातें सुनकर वह
उसी क्षण जाने को तैयार हो गया, परंतु द्वार के पास आकर कुछ इधर उधर देखकर बोला, क्या बच्ची को तनिक नहीं देख सकता? शायद उसे यही विश्वास था कि मिनी अब भी वैसी ही बच्ची बनी हुई है। उसने सोचा हो कि मिनी अब भी पहले की तरह काबुली वाला ओ काबुली वाला पुकारती हुई दौड़ी चली आएगी। यहां तक कि पहले की मित्रता की याद करके वह एक पेटी अंगूर और एक कागज के दोने में थोड़ी सी किशमिश और बादाम शायद अपने देश के किसी आदमी से मांग तांग कर लेता आया था। उसकी पहले की मैली कुचैली झोली आज उसके पास ना थी। मैंने कहा, आज घर में बहुत काम है सो किसी से भेंट ना हो सकेगी। मेरा उत्तर सुनकर वह कुछ उदास सा हो गया। उसी मुद्रा में उसने एक बार मेरे मुख की ओर स्थिर दृष्टि से देखा, फिर अभिवादन करके दरवाजे के बाहर निकल गया। मेरे हृदय में न जाने कैसी एक वेदना सी उठी। मैं सोच ही रहा था कि उसे बुलाऊं, इतने में देखा कि वह स्वयं ही आ रहा है। वह पास आकर बोला, ये अंगूर और कुछ किशमिश बादाम बच्ची के लिए लाया था, उसको दे दीजिएगा। मैंने उसके हाथ से सामान लेकर पैसे देना चाहा, लेकिन उसने मेरे हाथ को थामते हुए कहा, आपकी बहुत मेहरबानी बाबू साहब, हमेशा याद रहेगी, पैसा रहने दीजिए। थोड़ी देर रुककर वह फिर बोला, बाबू साहब, आपकी जैसी मेरी भी देश में एक बच्ची है, मैं उसकी याद करके आपकी बच्ची के लिए थोड़ी सी मेवा हाथ में ले आया करता हूं, मैं यहां सौदा बेचने नहीं आता। यह कहते हुए उसने ढीले ढाले कुर्ते के अंदर हाथ डालकर छाती के पास से एक मैला कुचैला मुड़ा हुआ कागज का टुकड़ा निकाला और बड़े जतन से उसकी चारों तह खोलकर दोनों हाथों से उसे फैलाकर मेरी मेज पर रख दिया। देखा कि कागज के उस टुकड़े पर एक नन्हे से हाथ की हथेली की छाप है, फोटो नहीं, तेल चित्र नहीं, हाथ में थोड़ी सी कालिक लगाकर कागज के ऊपर उसी का निशान ले लिया गया है। अपनी बेटी के स्मृति पत्र को छाती से लगाकर रहमत हर वर्ष कोलकाता की गली कूचों से सौदा बेचने के लिए आता है और तब वह कालिक चित्र मानो उसकी बच्ची के हाथ का कोमल स्पर्श उसके बिछड़े हुए विशाल वक्ष स्थल में अमृत उड़ेलता रहता है। देखकर मेरी आंखें भर आईं और फिर मैं इस बात को बिल्कुल भूल गया कि वह एक मामूली काबुली मेवा वाला है, मैं एक उच्च वंश का रईस हूं। फिर मुझे ऐसा लगने लगा कि जो वह है वही मैं ही हूं, वह भी एक बाप है और मैं भी। उसकी पर्वतवासिनी छोटी बच्ची की निशानी मेरी ही मिनी की याद दिलाती है। मैंने तत्काल ही मिनी को बुलाया, हालांकि इस पर अंदर घर में आपत्ति की गई, परंतु मैंने उस पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया। विवाह के वस्त्रों और अलंकारों में लिपटी हुई बेचारी मिनी मारे लज्जा के सिकुड़ी हुई सी मेरे पास आकर खड़ी हो गई। उस अवस्था में देखकर रहमत काबुली पहले तो सकपका गया, उससे पहले जैसी बातचीत ना करते बना, बाद में हंसते हुए बोला, लली ससुराल जा रही है क्या? मिनी अब ससुराल का अर्थ समझने लगी थी, अतः अब उससे पहले की तरह उत्तर देते ना बना। रहमत की बात सुनकर मारे लज्जा के उसके कपोल लाल सुर्ख हो उठे, उसने मुंह फेर लिया। मुझे उस दिन की याद आई जब रहमत के साथ मिनी का प्रथम परिचय हुआ था। मिनी के चले जाने के बाद एक गहरी सांस लेकर रहमत फर्श पर बैठ गया। शायद उसकी समझ में यह बात एकाएक साफ हो गई कि उसकी बेटी भी इतनी ही बड़ी हो गई होगी।
और उसके साथ भी उसे अब फिर से नई जान पहचान करनी पड़ेगी। संभवतः वह उसे पहले जैसी नहीं पाएगा। इन 12 वर्षों में उसका क्या हुआ होगा, कौन जाने। सवेरे के समय शरद की स्निग्ध सूर्य किरणों में शहनाई बजने लगी और रहमत कोलकाता की एक गली के भीतर बैठा हुआ अफगानिस्तान के मेरू पर्वत का दृश्य देखने लगा। मैंने कुछ नोट निकालकर उसके हाथ में दिए और बोला, रहमत तुम देश चले जाओ अपनी लड़की के पास। तुम दोनों के मिलन सुख से मेरी मिनी सुख पाएगी। रहमत को रुपए देने के बाद विवाह के हिसाब में से मुझे उत्सव समारोह के 2-1 अंग छांटकर कार्ड देने पड़े। जैसी मन में थी वैसी रोशनी नहीं करा सका। अंग्रेजी बाजा भी नहीं आया। घर में औरतें बड़ी बिगड़ने लगीं। सब कुछ हुआ फिर भी मेरा विचार है कि आज एक अपूर्व ज्योत्सना से हमारा शुभ समारोह उज्जवल